वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर सीक्वेंस ऑफ लिविंग इन कनाडा। और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है हाउ टू चेंज योर हेडलाइट लो बीम बल्ब्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक निसान अल्टिमा 2005 है और इसका लेफ्ट का लो बीम बल्ब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, बट राइट का लो बीम बल्ब है ये बिल्कुल बंद है। तो इसके दो रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्टली, या तो इसका फ्यूज डैमेज हो चुका है, तो उसके लिए हम एक नया फ्यूज लाए हैं। तो ये एक 15 एम्पेयर का फ्यूज है जो हम वॉलमार्ट से लाए हैं। ये पूरा एक सेट आता है अप्रॉक्सीमेटली $3 का। एंड द सेकेंड रीजन कुड बी कि इसका बल्ब खराब हो चुका है, तो उसके लिए भी हम बल्ब भी लाए हैं कैनेडियन टायर से। और ये सिल्वेनिया का हैलोजन बल्ब है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली $50। अब फ्रेंड, एज अ न्यू कमर जब आप आते हो और ऐसा कुछ हो जाता है, तो अक्सर अगर आप मैकेनिक के पास जाओगे, दिस विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली $100 दोनों साइड के बल्ब रिप्लेस करने के लिए, और एक साइड का भी रफली चार्ज $60, विच इज़ वेरी हाई। तो बेटर है कि आप ये चीज़ खुद ही सीख लें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये एक्टिविटी खुद ही करते हैं और उन्हें सब कुछ आता होता है। अब ये करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर सेट है, ये मुझे वॉलमार्ट से $7 का मिल गया था। हमारे पास कुछ प्लायर्स हैं, रेंच है और छोटे रेंचेस हैं। सो जैसे जैसे हम काम करते हैंगे, हमें ये सारे टूल्स इसमें चाहिए होंगे। सो लेट्स गेट रोलिंग फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अपना बोनेट खोलेंगे। लॉक लगा लेंगे। अब जैसे कि मेरे पास 2005 निसान अल्टिमा है, इसका फ्यूज बॉक्स यहाँ पे होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको हमने खोल लिया, ये हमारा पूरा फ्यूज बॉक्स है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे चिपसेट देख रहे हैं, ये सारे फ्यूजेस हैं। ये सारे इस पे एम्पेयर्स लिखे हुए हैं, कोई 15 एम्पेयर्स का है, कोई 10 एम्पेयर्स का है, और ये सब अलग अलग चीजों के लिए। अब आपको अगर देखना है कि आपको राइट लो बीम बल्ब कहाँ पे है, तो इसका जो बॉक्स होता है फ्यूज बॉक्स का, उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज मीटर रीडिंग्स और वो कहाँ का है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को राइट साइड का लो बीम देखना है, तो वो ये है। तो आपको यहाँ से अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, और ये लोकेशन आइडेंटिफाई करके मुझे पता चल गया कि मेरा ये वाला जो प्लेस है, इनफैक्ट यहाँ पे ये मेरा लो बीम 15 एम्पेयर का ब्लू वाला है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी लाइट की वो स्टार्ट हुई या नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वॉशर फ्लूइड का ये बाहर निकाल लेंगे, तो इससे हमारे को ईज हो जाएगा काम करने में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने ये वाला रिप्लेस करना है जिसमें मैं पॉइंट कर रहा हूँ। अभी आपका हाथ से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हम सबसे पहले इसके लिए प्लायर्स यूज़ करेंगे। ये मैंने होल्ड कर लिया है और ये मैंने बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपने नए वाले से इसको रिप्लेस करूँगा। इसका कोई भी पैटर्न नहीं है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे रिवर्स ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। तो अब मैं ये उसी प्लेस पे जाके अपने हाथ से इसको फिक्स कर दूंगा। तो ये वाला मैंने अभी जस्ट फिक्स किया है। अब हम अपनी लाइट जला के देखेंगे, इज इट वर्किंग। तो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं, मेरी लो बीम स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम पे बस ये एक 5 मिनट का फॉल्ट था जो कि मेरे फ्यूज़ में था, और जैसे हमने फ्यूज़ रिप्लेस किया, ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली फाइन करना स्टार्ट हो चुकी है। अब इन केस लेट्स सपोज फ्रेंड, हमारे फ्यूज़ में ना प्रॉब्लम हो के बल्ब में प्रॉब्लम होती, तो हम बल्ब कैसे रिप्लेस करेंगे, अब हम लेट्स स्टार्ट विद दैट पार्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम जब बल्ब चेंज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे को एक स्मॉल रेंच चाहिए होता है और एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने एज यूजुअल वॉशर फ्लूइड को थोड़ा सा लेफ्ट राइट को विगल करके बाहर निकाल लेना है। सेकेंडली, हमारा जो कूलेंट बॉक्स है, इसके अंदर दो नट्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमने इनको लूजन अप करके इस बॉक्स को यहाँ से निकाल लेना है। तो मैंने ये पहले ही लूज़ कर लिए हैं, यहाँ के लिए आप एक रेंच यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ही आप रेंच यूज़ कर लेंगे, ये बाहर आ जाएगा। इसको आप रख लें, और ये नट भी मैंने लूज कर दिया है। इसको भी मैंने यहां से पुल आउट कर लिया है। अब जैसे ही हम ये कर लेते हैं, हमने अपने बॉक्स को उठा के
साइड में रख लेना है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं, अभी मैंने अपना कूलेंट बॉक्स को बाहर निकाल लिया है और मैंने वॉशर फ्लूइड कंपार्टमेंट को भी बाहर निकाल लिया है। तो हमारे यहाँ पे जो ये स्पेस बना है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो वाइट कंपार्टमेंट है, ये वाला, हमने इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा और ये बाहर आ जाएगा। इसको निकालने के बाद इसमें से हम अपना बल्ब इजेक्ट करें। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैंने अपना हाथ यहाँ पे, आप देख रहे हैं ग्रूव्स बने हैं, आपको इसमें अपने फिंगर्स को फंसाना है और इसको थोड़ा रोटेट करना है और ये ऐसे करके पुल आउट हो जाएगा। इसमें ये आपकी केबल्स हैं और ये आपका बल्ब है। तो अब इस बल्ब के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट के साथ दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये आपका बल्ब है। अब इस बल्ब के अंदर आप, अगर यहाँ से इतना क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे एक टेंशन वायर होता है जिसको आपने थोड़ा सा, मैं आपको शो करता हूँ, टेंशन ईज करना है तो ये बल्ब आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये अभी अंदर फिट होता है। सो लेट मी शो यू। ये देखिए, ये टेंशन वायर होता है, ये मैंने लूज़ किया है। जैसे इसको लूज़ किया, ये हमारा बल्ब बाहर आ जाता है। और जैसे ही हमारा ये बल्ब बाहर आ जाता, तो फ्रेंड जैसे मैंने ये अपना बल्ब निकाला, अब मुझे इस बल्ब को यहाँ से इजेक्ट करना है। ये बल्ब मेरे हाथ में आ गया और अब मैं अपने दूसरे बल्ब से इसको रिप्लेस करूँगा। अब इसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमको इसके होल्डर में डालना होगा और पीछे ये जो वाइट केबल है इसके अंदर इसको हमने डाल देना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया अपने बल्ब को। ये आप देख सकते हैं, ये बल्ब मेरा ऑन हो गया जैसे कनेक्ट हुआ है। ये जो दो स्क्रूज़ हैं ये फास्टनिंग स्क्रूज़ होते हैं और ये ब्लैक केबल है, साथ में एक रेड केबल भी होती है। जब आप इसको लोकेशन पे अपना फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे एक, जैसे मैंने आपको बताया था, एक फास्टनिंग लॉक टाइप होता है, वो लॉक आप एडजस्ट करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट मुझे आपको दिखाने के लिए, बट जब आप ये खुद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं जिस लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये बहुत इजी टास्क है, सो पीपल चार्ज यू अ लॉट फॉर दिस, बट इट्स वेरी इजी टास्क वंस यू आर डन। सो आपको बल्ब स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने ये जो कैप है इसको बस यहाँ पर क्लोज कर देना है, जो कि मैं इस वीडियो के बाद जस्ट करने वाला हूँ। और फिर आपका वंडरफुल बल्ब्स वर्किंग। So thanks friends for watching my video. अगर आपको पसंद आई हो तो please subscribe कीजिएगा and I'll be posting more such videos. Thank you.